In last class, we are discussing about types of atomic radii, right? Yes. Yes, sir. In that types of atomic radii, हमारा metallic radii रह गया था, जो हमने discuss नहीं किया था. Yes. ठीक है. आज उसको complete करते हैं और बाकी जो कुछ periodic properties रह रखी हैं, उनको भी discuss करेंगे साथ के. ठीक है. तो हमने पहले तो बताओ टाइप्स में हमने कौन कौन से टाइप पढ़े थे. कोवेलेंट रेडियस और वन डायमेंशनल. सबसे पहले हमने पढ़ा था कोवेलेंट रेडियस. यस यस. कोवेलेंट रेडियस किन किन एटम में देखने को मिलता है सर? जो कोवेलेंट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में. आफ्टर दैट सेकंड, सेकंड क्या था? वंडरवॉल. वंडरवॉल रेडियस. वंडरवॉल रेडियस में किस लिए यूज करते थे, कौन से एलिमेंट्स के लिए? मोस्टली नोबल गैस. नोबल गैस या अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल. ठीक है. एंड थर्ड जो आज हमको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस. ठीक है. और लास्ट क्या था? फोर्थ टाइप मेटेलिक रेडियस किसमें देखने को? मेटल्स. मेटल्स में. परफेक्ट. ठीक है. फिर हमारे लास्ट में था आयनिक रेडियस. यस यस. हमने कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस और आयनिक रेडियाई के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ रखा है. यस यस. मेटेलिक रेडियाई रह गया था जो हम आज पढ़ेंगे. ओके ओके. स्टार्ट करें. ठीक है. नाम से ही पता चल रहा है मेटेलिक रेडियाई. ठीक है. तो मेटेलिक रेडियाई किस एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है? मेटल. मेटल फॉर मेटल एटम्स. ओके. तो सर कितने डिस्टेंस को हम मेटेलिक रेडियस बोलेंगे और किस चीज को? लेट्स अज्यूम हमारे पास जो मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. Yes, sir. सब मेटल्स में एक सेकंड रुको. तो सर को डबल डबल आवाज. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मेटेलिक रेडियस किसके बारे में बात करेंगे? हाँ, मेटेलिक रेडियस. तो मेटेलिक रेडियस क्या होता है? जैसे हमने कोवेलेंट रेडियस पढ़ा था सर. अभी आपने 5-3 मिनट्स में झूठे बोला, आप रिपीट कर दो. ओके नो प्रॉब्लम. ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेटेलिक, जनरली फॉर मेटल्स, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मेटेलिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस. सर कौन सा डिस्टेंस? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? सर दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, राइट? यस यस सर. यस. सॉलिड में देयर आर टू एटम्स जो एक दूसरे से लगते हुए होंगे एडजेसेंट. यस नो. दीस टू एटम्स हैज देयर ओन न्यूक्लियाई. बिटवीन दीस न्यूक्लियाई इज नोन एज, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर. इंटर न्यूक्लियर
डिस्टेंस या डिस्टेंस। अब मुझे इस एटम का रेडियस चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ये जो डिस्टेंस होगा, दिस मच डिस्टेंस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। हाँ सर, बट सर इसको लिखेंगे कैसे पेपर में? तो हाँ सर बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो उस केस में आप सभी को ऐसे राइट डाउन करना डेफिनेशन जो होगी, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटर, सबको विजिबल है? यस यस नो? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms in a metallic lattice, yes or no? Metallic lattice, how many of you जानते हैं metallic lattice के बारे में? What is metallic lattice? Babek, Aryan, बताओ। हाँ सर, कोई एक्सपेरिमेंट सर, आई एम आस्किंग अबाउट क्या कोई कि मेटलिक लैटिस क्या होता है। हमने ये बोला ना कि ये जो डिस्टेंस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम का हाफ करेंगे तो मेटलिक रेडियस आएगा, कॉल्ड मेटलिक लैटिस। बताओ किसी को पता है मेटलिक लैटिस के बारे में? सर इतना आइडिया नहीं। ओके ओके ठीक है। एक घर बनाने के लिए सबसे छोटा पार्ट यानी एक ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है सैंड का पार्ट। ये सुनो, सैंड इतना भी छोटा पूरा, तुम तो मजाक में ले रहे हो। पहले सुन लो, अगर हम ईंट को थ्री डायमेंशन में लगाते जाएंगे लेफ्ट राइट और हाई करके, यस सर, ठीक है, ऐसे ही मेटल के अंदर जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, मेटल के अंदर जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा जिसको हमको पूरा मेटेलिक सॉलिड मिल जाएगा, उस पोर्शन को बोला जाता है मेटेलिक लैटिस। ठीक है सर। हाँ बोलो सर, आपकी आवाज थोड़ी मोटी हो रही है। हां जी सर, वो माइक्रोफोन चेंज कर लीजिए पिछली बार। यस सर, अगर आपने कुछ पता नहीं किया तो बहुत अच्छा। मोटी मोटी आ रही है। अरे बहुत बेहतर। अरे हो गई, अरे वापस खराब हो सर। कुछ क्या बात है, ताली। ठीक है, हां तो हम बात किसकी कर रहे थे? मेटेलिक लैटिस की। Yes? Yes, yes, yes. Yes. A solid which is repeated in three dimension can get wall solid. जैसे अगर हम एक घर बनाने के लिए सब को एक्स वाई और जेड में प्लेस करेंगे तो हमको पूरा घर मिल जाता है। Yes. ठीक है, वैसे ही अगर मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो सबसे छोटा का पोर्शन आइटम, हाँ ठीक है, तो उस छोटे से पोर्शन को बोलते हैं मेटल। सर मतलब ये ठीक है, कोई दिक्कत, बस इसको इस तरीके से समझो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सॉलिड का पीस होता है। हाँ यस बिल्कुल, नहीं अभी बताएंगे। इसको अगर हम रिपीट करें, क्या करें, रिपीट करें, लेट्स अज्यूम मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है। Yes. Yes, sir. अब मैं इस क्यूब को अरेंज करता जा रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो ये x एक्सिस में ऐसे ही ऊपर भी चलता जाएगा। सर आपका ऑडियो बराबर है, वीडियो पॉज हो रही है तो अच्छे सर, और ब्लर भी होगा। हां सर, ओके एक सेकंड चेक कर रहा हूं मैं। सर वो शायद आपके डिवाइस से होगा। सर बाय सर, ब्लर तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? ब्लर बहुत देर से। ठीक लग रहा है सर? तो हम जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर में इस पोर्शन को अरेंज करते जा रहे हैं एक्स वाई और जेड में, तो
बड़ा पीस ठीक है, वो बड़ा पीस क्या होगा, मेटल का सॉलिड होगा, क्या होगा मेटल का सॉलिड ठीक है। अब इस छोटे से पोर्शन को उठाएं और इस छोटे से पोर्शन को बोले तो क्या बोलेंगे, मेटेलिक लैटिस, मेटेलिक लैटिस ठीक है। तो मेटेलिक लैटिस के अंदर प्रेजेंट होंगे एटम, यस सर वो फोन हटा, इनका हाफ क्या हो जाएगा सर, आई थिंक अभी भी टाइम निकल रही है, नहीं नहीं सभी को अब तो क्लियर आ रहा है सर, ये मोबाइल हटा लो, अब ठीक है, यस सर स्टार्ट करें आगे तो मैं, यस सर ठीक है। इसके बाद हम चूज करेंगे किसका, तो हमारा एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो चुका है, ये लिख ले हो चुका है, ओके सर ठीक है। सर ये सिर्फ मेटल्स के लिए होता है ना, उसके अलावा मेटल्स के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में जब बात करेंगे हम तो क्रिस्टल्स में होगा सर ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, अब मेटल की बात करें तो मेटेलिक नेचर के बारे में बात कर लेंगे, मेटेलिक नेचर के बारे में ठीक है। यहाँ पर एक और चीज होता है वंडरवॉल के बाद मेटेलिक, मेटेलिक के बाद कोवेलेंट, कोवेलेंट ठीक है। इन तीनों का ऑर्डर आप सबको पता चल चुका है ठीक है सर, तो हमने डायग्राम बनाना है, बनाए नहीं अभी, पहले डेफिनेशन लिखा था, ओके नो प्रॉब्लम। और ये हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ऑर्डर जान लो, जब हम बात करेंगे किसकी ऑर्डर की तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, आर वंडरवॉल, आर मेटेलिक एंड आर कोवेलेंट, तो आयोनिक तो उसमें तो एक ही एटम के बारे में ठीक है, तो सॉरी आयोनिक की बात ही नहीं करेंगे इसमें ठीक है। अब हम बात करेंगे, हम मेटल के बारे में पढ़ रहे थे तो मेटल से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, मेटलिक नेचर, यस पढ़े मेटलिक नेचर के बारे में ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं और फिर स्टार्ट, इसी एलिमेंट को मेटल का बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, मैं बोल रहा हूं कि उसके अंदर मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या डिफिकल्टी से ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक नेचर। अब वहीं पर जब मेटेलिक पढ़ रहे हैं तो नॉन जो गेन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सर, बिल्कुल नॉन मेटेलिक नेचर वो होंगे वो एलिमेंट, यस ठीक है। अब हम सबने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है या कम होती है, डाउन द ग्रुप बढ़ती है बिल्कुल, तो अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटालिक, तो डाउन द मेटालिक नेचर क्या कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है, यस यस सर, इलेक्ट्रॉन रीजन और सर वो रेडियस बड़ा होगा तो दूर है न्यूक्लियस, सर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, हां रीजन क्यों सर, रीजन तो बहुत हो सकती है, साइज बढ़ रहा है सर उसका डाउन द ग्रुप जाने पर, क्या बढ़ रहा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, तो विच मींस उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज्यादा परेशानी नहीं है, हमको कम एनर्जी पर ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे,
दोनों केस के लिए, मेटलिक के केस में क्या हुआ, डाउन द ग्रुप, लेट्स अस्यूम मैं आपसे पूछूं सोडियम पोटेशियम प्ले व्हिच वन, हां सॉरी पोटेशियम पोटेशियम ठीक है, वहीं पे आपसे पूछूं कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर किसके अंदर जाता है, बात तो समझ रही है? अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा, मैं अभी इसको एक कॉन्सेप्ट से और जोड़ूंगा, तो ध्यान से समझना इस चीज सर को, एक बार और समझा दो ड्यू टू एटॉम। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटलिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पर ही रिलीज कर देगा, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, yes. तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, तो वो फोर्स ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, कम लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है इंक्रीज, ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। अभी सारी बातों को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, तो ये सारी बातें क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप, वो लेना ही नहीं चाहेगा, क्या चाहेगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर यानी डिक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को साइड में लिखना चाहो तो एक कॉन्सेप्ट और लिख सकते हो, आयनिक कैरेक्टर या आयनिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज, वहीं पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, सर आयंस तो लूज भी करते हैं गेन भी करते हैं तो उससे इंक्रीज, क्योंकि मेटल तो कैटायन बनाते हैं, ये सुनो सर मुझे पार्शियली समझ आती है, सर मुझे वो आयनिक और कोवेलेंट वाला नहीं समझ आता सर, कोई मेटलिक किसको समझ में आया, हां सर वो सर वो तो आ गया बट उन्नति आपको आ गया बट मतलब मैटलिक और नॉन मैटलिक आ गया, पर ये जो डाउन द ग्रुप वाला कांसेप्ट आपने बताया वो अच्छे से, ये सर मतलब सर पूरा मतलब आयनिक कैरेक्टर, ओके ओके, इस चीज को वैसे तुम चाहो तो सेपरेट भी रख सकते हो, ठीक है, इसको बाद में समझने की जरूरत है वैसे तो, क्योंकि तुमको अभी आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना जरूरी है, ठीक है, इस चीज को समझ में आया सभी को पहले तो बताए, इसमें कोई डाउट है नहीं किसी को मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर में, यस ओके ओके ठीक है सॉरी पीक, हाँ कोशिश करो कि माइक ओपन करके, ठीक है, चैट में कम से कम रिप्लाई करो, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम उतनी मुझे समझ में आएगी, ठीक है, whenever we are talking about across the period, across the period यानी metallic character पे क्या असर पड़ेगा, हटेगा सर पहले बढ़ेगा, क्या हो रहा है सर, साइज को छोटा डिक्रीज, ओके सर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वहीं पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज, बिल्कुल सही, रीजन वही लिख देंगे, एटॉमिक साइज डिक्रीज, बिल्कुल ड्यू टू और इंक्रीज, सर बिल्कुल सही, ये चीज समझ आ गई सभी को, तो सर इसका थोड़ा सा, हाँ वही मैं कोशिश कर रहा, आप सभी ने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल देखा है, हाँ, यस सर, यस ऐसा दिखता है, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, आप सभी से पूछा जाए कि नॉन मेटल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, सर डी, डी में जिसने बोला वो तो सर पी, पी यहाँ पर पी में, ओके, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर हमको नॉन मेटल देखने को मिलते हैं, नहीं यहाँ पर है सर राइट साइड में ऊपर की ओर, राइट साइड में नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऊपर की ओर, इसलिए नॉन मेटल कहां पर देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, सर राइट और ऊपर, यस, मेटल कहां देखने को मिलते हैं सर, लेफ्ट और डाउनवर्ड, ये सारा पोर्शन जो है इस साइड वाला पोर्शन जो है, यस सुनो आया सब में, सर एस ब्लॉक में भी मेटल और डी ब्लॉक में भी मेटल पाए जाते हैं,
तो किसके अंदर ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है, एस के अंदर होगा या पी के? एस एस के अंदर। सर वही बात की बात है कि राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर नीचे की ओर क्या मिलेंगे, सारे मेटल मिलेंगे, तो यानी उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है? यहाँ पर आप सभी को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी, दो टर्म, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना चाहेगा, कौन रिड्यूसिंग डिस्कस करें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, गेन होता है या लॉस होता है? गेन गेन होता है। और गेन यहाँ पर मेटल करते हैं नॉन मेटल करते हैं? तो किस साइड पर ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते ना, तो यानी रिड्यूसिंग हम बात कर रहे हैं किसकी, रिड्यूसिंग नेचर की। रिड्यूसिंग नेचर कौन शो करता है, एजेंट कौन होते हैं वो सब्सटेंस जिनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सुनो, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं? नहीं, हाँ लूज सर, लूज होते हैं ज्यादा ना सब कुछ। यस सभी को, यस सर। अब यहाँ पर लूज कौन करना चाहेगा सर, मैं डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करेगा सर, क्या डाउन द नेचर, सॉरी डाउन द सर इंक्रीज करेगा सर, आपने कुछ सर अभी आपने बोला ना डाउन द ग्रुप कुछ ना सुन नहीं पाए। हां तो पहले हम बात करें किसकी, रिड्यूसिंग नेचर की। यस सर, रिड्यूसिंग नेचर कौन होता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट शो करते हैं एजेंट वो होते हैं जो खुद का क्या कराते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यस सर, हां बिल्कुल ऑक्सीडेशन। यस यस, मेटल और नॉन मेटल में कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल या नॉन मेटल, ठीक है? तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। नेचर ठीक है, यस। तो एडिंग लिखना, पर बोलो एंड पहले तो ये उसके बाद सर कुछ, ठीक है? तो आप सभी मेटलिक जहां पर लिखा हुआ वहां पर कौन सा नेचर की बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे मेटलिक में क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग नेचर, नॉन मेटालिक पर, ठीक है? सबको क्लियर हो चुका है? यस पक्का? यस सर। हाँ तो मेटल कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है ये भी पूछ सकते हैं, रिएक्टिव कौन होगा सर जो इलेक्ट्रॉन आराम से दे दे, नहीं रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, हां सर डाउन द ग्रुप मेटल रिएक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी सर, बढ़ेगी सर, घटेगी किसकी, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। आई बात समझ में, ठीक है? इस पूरे चैप्टर में अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया जो मेरे को डिस्कस करना है, इसकी जो भी डाउट रहेगी इस चैप्टर से रिलेटेड, और साथ के साथ हम लास्ट टॉपिक करेंगे सर, इसकी फोटो भेज देना आप, हां भाई सर इसकी, क्लियर सबको यहां पर? यस सर। मुस्कान आपको थैंक यू सर, बाय सर, टाटा सर, ओके मिलते हैं, बाय सर, ओके थैंक यू सर।